हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित सर और आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज बच्चों मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 8.3 का शेष बचा हुआ भाग बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसमें से कि मैंने कुछ मैथ्स 8.3 का बनाया है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा, जाके आप देख लेना बच्चों। और जो मैथ है क्वेश्चन नंबर 4 से, उस मैथ को आप ध्यान से देखें और बिल्कुल बारीकी से समझने का प्रयास करें। यदि tan A इज इक्वल टू cot B है तो सिद्ध करना है A प्लस B 90 डिग्री। बहुत ही आसान है बच्चों, एक बार सिर्फ ध्यान से देखो। tan A इज इक्वल टू cot B दिया हुआ है। tan A और cot B के हेल्प से हम साबित करेंगे कि A प्लस B 90 डिग्री है। तो A tan को आप बोलिए, tan का अपोजिट क्या होता है, मैंने फॉर्मूला बताया था, cot होता है। cot और 90 डिग्री आपको लेना ही लेना है, यहाँ पर आपको 90 डिग्री लेना है और ये थीटा के स्थान पे जो है वो यहाँ पर आप प्लांट कर दें। तो 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू cot b। सेम बराबर के दोनों तरफ जो होता है बच्चों वो कट जाता है, तो cot और cot आप यहाँ पर कट हो गया। अब आप देखो यहाँ आपका बचता है 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू b। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, tan का अपोजिट cot कर देना है। 90 डिग्री आप जानते हो कि त्रिकोणमिति में बार बार आपको 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज फेस करना पड़ेगा, तो यहाँ 90 डिग्री और थीटा के स्थान पे जो है वो यहाँ डाल देंगे। सेकेंड वाले में आपको कोई बदलाव नहीं करना है और सेम बराबर के दोनों तरफ जो भी सेम हो वो आप कट कर सकते हो। तो cot हमने यहाँ काट डाला, उसके बाद यहाँ पर आपका 90 डिग्री माइनस a और इधर b बचता है। अब आप जात को एक तरफ कर दें, b का जात यहाँ 90 नहीं, ये संख्या है, यहाँ a है इसका जात, आप a को उस साइड लेते जाए बच्चों। या 90 डिग्री माइनस a जब बराबर के बाद जाएगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो प्लस a और b भी आपका ऑलरेडी प्लस में है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, आपका भी a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री आ चुका है और इस तरह से आपका ये साबित हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। अगर बच्चों आपको इसमें दिक्कत है तो मैं एक डेमो और दे देता हूं ताकि आपको कहीं कोई परेशानी नहीं रहे। तो बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों। अब जैसे मान लो कि tan के स्थान पे आपका दिया हुआ है साइन और कॉस, साइन दिया हुआ है यहाँ और ये कॉस दिया हुआ है। अब आप इसको अगर देख लेते हैं तो फिर आप आसानी से मैथ को समझ जाएंगे। बस कुछ करना नहीं है बच्चों, आपको पहले देख देख के क्वेश्चन को यहाँ से उतार लेना है। साइन a इज इक्वल टू कॉस बी। अब आपको ध्यान देना है कि साइन का अपोजिट क्या होता है। साइन का अपोजिट मैंने फॉर्मूला में बताया था बच्चों, कॉस होता है। वो कॉस आप यहां पर लिख दें, कॉस a, इधर तो ऑलरेडी कॉस बी है ही, तो ये कॉस बी में कोई बदलाव नहीं करना है, ये आपको कॉस बी ही रखना है। सेम कॉस कॉस दोनों और बच्चों कट जाता है। देखिए 90 माइनस a और b बचता है, यहाँ के पास से सेम वर्क हो जाएगा, माइनस a इधर आएगा तो प्लस a, b ऑलरेडी प्लस में है ही, a प्लस b 90 डिग्री आपका प्रूव हो जाता है। अगर फिर भी आपको परेशानी है तो मैं यहाँ कुछ और ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ sec लेता हूँ और इधर cos a, फिर किस प्रकार बनेगा, वही बात है बच्चों, आपको पहले क्वेश्चन उतार लेना है, sec इधर लिखना है, cos a इधर लिखना है, उसके बाद आप यहाँ पर sec का अपोजिट सोचे, sec का अपोजिट होता क्या, तो sec का cosec, तो cosec को यहाँ आपको लिखना है और इधर भी आपको cosec डाल देना है। सेम दोनों बगल जो है वो आप कट कर सकते हो, तो cosec cosec कट कर दो, बचेगा 90 माइनस a और यहाँ पर b, माइनस इधर लगे तो प्लस है बच्चों और b ऑलरेडी प्लस में है ही, a प्लस b 90 डिग्री आपका प्रूव जाता है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप इस मैथ को समझ गए होंगे। आप पॉज करके इसको देख लो बच्चों और इसके बाद नेक्स्ट मैथ मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। हाँ, तो अब आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाना है आपको साइन बी प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू कॉस ए बाय टू। ये एक त्रिभुज है आपके पास और आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज ही त्रिकोणमिति में होता है बार बार, तो समकोण त्रिभुज का वर्णन किया हुआ है और एबीसी आपके पास एक त्रिभुज है, आपको ये साबित करके दिखाना है। ध्यान देना बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत वीवीआई क्वेश्चन भी है, इसे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, ये मैक्सिमम टाइम बोर्ड में पूछा गया है बच्चों। तो आप सबसे पहले मैं यहां सॉल्व करता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको मालूम है कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ऑलरेडी 180 डिग्री होता है, तीनों
तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। आपके पास तीन कोण कौन कौन सा है बच्चों? ए बी और सी, ये तीनों कोण को जोड़ेंगे क्योंकि लिखा हुआ है तीनों कोणों का योग 180। तो ए बी सी जो आपके त्रिभुज के तीन कोण है ए बी सी, इस तीनों को आप ऐड कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों 180 डिग्री बराबर के दोनों पक्ष में हम सेम वर्क कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बाय टू करते हैं तो इधर भी 180 के नीचे आपको दो देना होगा, दो से आप सब कट कर दीजिए 90 बार में। और आपको यह गौर करना है कि कौन साथ है और कौन अलग है, b प्लस सी साथ है, a अलग है। और आप जान लो ये तो जो है बच्चों ये तीनों के नीचे दिया हुआ है, ये a b c इस तरह से जब बटे रहे तो ये तीनों के नीचे ये दो दिया हुआ है। तो a अलग है तो a बटे टू को अलग कर देंगे, b प्लस सी साथ है तो b प्लस सी को टू के अलग कर देंगे इस तरह से। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो बच्चों a बाय टू प्लस b प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू इधर आपका 90 डिग्री बचता है। प्लस a बाय टू को बराबर के बात लाएंगे तो माइनस a बाय टू होगा, या b प्लस सी बाय टू 90 के पास प्लस लाते हैं तो माइनस a बाय टू। उम्मीद करते हैं बच्चों आप यहां तक समझ गए होंगे। अब आपको LHS ले लेना है बच्चों, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ देखिए बच्चों यहां b प्लस सी दिया हुआ है बाय टू, b प्लस सी बाय टू जो दिया हुआ है और यहां पर साइन है तो हम इधर भी साइन लिखेंगे, तो साइन b प्लस सी बाय टू इस तरह से आप इधर लिखे साइन। हमने बताया था कि बराबर के दोनों पक्ष में सेम लेते हैं, इधर दो है तो इधर भी दो, वैसे इधर हमने साइन लिया तो इधर भी आपको यहां पर साइन लेना होगा। तो साइन b प्लस सी बाय टू तो हम यहां पर भी लेते हैं साइन, यहां लिख देते हैं बच्चों आपको देखने में दिक्कत होगी, तो साइन 90 डिग्री माइनस a बाय टू, 90 डिग्री माइनस a बाय टू। साइन का अपोजिट मालूम आपको होता है कॉस होता है, और थीटा के स्थान पर आपका a बाय टू ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहां पर a बाय टू लिख दें। और देखें बच्चों की कॉस a बाय टू आपका ऑलरेडी आ चुका है यहां पर, ये RHS प्रूफ लगता है। उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। अगर दिक्कत आपको बच्चों है तो मैं इसी टाइप का एक आप लोगों को डेमो देता हूं जिसे आप देखकर समझने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल बारीकी से समझ लेंगे। तो मैं यहां पर सेम क्वेश्चंस दिया हुआ इस तरह से, अगर यहां पर साइन न रह के बच्चों अगर मान लो यहां टैन रहता है और इस जगह पर आपका कॉट रहता है तो फिर किस तरह से आप सॉल्व करोगे? इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके मन से सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। इस बार tan b plus c by 2 है और cot a by 2 है, उसी प्रकार में बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, a plus b plus c 180, यानी सारा वर्क सेम टू सेम होगा, बटे 2 करना है, ये सब सारा वर्क सेम होगा बच्चों। अब करना फर्क क्या है कि इस जगह पर tan है तो यहां आपको tan डालना होगा, जहां पर हमने sin डाला था वहां पर tan डालना होगा, बिकॉज क्वेश्चन में इस बार tan दिया हुआ है। और tan जब हम इधर डालेंगे तो इस साइड भी आपको tan डालना ही होगा, तो यहां भी हम tan लिख देंगे। और tan का अपोजिट आपको मालूम है बच्चों cot होता है, तो इस जगह पर आप cot लिख दें। और इस तरह से सवाल आपका देखिए RHS ऑलरेडी आ चुका है, tan b plus c by 2 cot a by 2। अब कोई भी आपका वैल्यू यहां sec cos x हो, cos sin हो, tan cot हो, cot tan हो, कुछ भी हो, ये सारा वर्क आपका सेम टू सेम रहेगा। और इसके बाद यहां पर सिर्फ बदलाव वो भी आप देख के करोगे, यहां जो लिखा हुआ है बस आपको यहां लिख देना है और फिर उसका अपोजिट कर देना, आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करते हैं इसे आप समझ गए होंगे। पॉज करके देख ले आपको मैं इसका लास्ट क्वेश्चन बताता हूं बच्चों। ये आपका 8.3 का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, साइन 67 प्लस कॉस 75, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। दैट मींस कहने का तात्पर्य है कि आपको 0 और 45 डिग्री के बीच का मान निकालना है। ये ध्यान से देखो बच्चों, ये 67 जो कि 45 से बेसी है और 75 है जो कि 45 से अधिक है, इसको 45 से कम लाना है, 0 और 45 के बीच लाना है। देखते हैं बच्चों किस प्रकार बनता है। इसको पहले आप क्वेश्चन को उतार लें, साइन 67 प्लस कॉस 75। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप यहां पर देखो कि साइन का अपोजिट
साइन या आप ही छोड़ो बच्चों उस तरह से, ये साइन लिखिए आप 90 में कितना घटाओगे जो 67 होगा, 90 में से 67 आप रफ में हटा के देख सकते हो 23 प्लस कॉस लिखकर 90 में कितना घटाओगे जो 75 होगा 75 होगा, तो 90 में से 75 आप घटा के देख लो 15 यहां होगा बच्चों, कुछ नहीं बहुत ही आसान है बच्चों, 90 में से 67 आप लेस कर दो 23 यहां लिख देना है और 90 में से 75 घटा देना है 15 लिख देना है। साइन का अपोजिट कॉस होता है, कॉस थीटा के स्थान पे 23 और कॉस का अपोजिट साइन होता है वो यहां लिख देना है तो, और थीटा के स्थान पे 15 डिग्री। अब ध्यान से देखो बच्चों तो ये 0 और 45 के बीच का मान आता है, 23 45 से कम है और 15 भी 45 से कम है, ये आपका आंसर हो जाता है। आप फिर से देख के समझ लो बच्चों, कह रहा है साइन 67 और कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के मान वाला है, तो इसको पहले क्वेश्चन को देख देख के आप उतार लोगे। साइन लिखकर 90 में 67 को आप रफ में घटाओगे 23 यहां लिख देना, फिर कॉस लिखकर 90 में से 75 घटाओगे 15 यहां पर लिख देना। साइन का अपोजिट कॉस होता है और थीटा के स्थान पर 23 यहां लिख देंगे, कॉस का अपोजिट साइन होता है उसका मान टेबल में या फिर फॉर्मूला में आप देख सकते हो, कॉस का अपोजिट साइन और थीटा के स्थान पे 15। अगर समझने में दिक्कत है तो एक क्वेश्चन आप और देख सकते हैं बच्चों ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। अब जैसे यहाँ पर सेम क्वेश्चन दिया हुआ है और सपोज है बच्चों मान लो यहाँ पर टेन है 10 डिग्री और कॉट है 20। अब इसको समझने वाली बात है, या यहाँ पर हम ले लेते हैं बच्चों कॉट 80 ले लेते हैं, तो 10 सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को उतार लेंगे इस तरह से, 10 10 डिग्री प्लस cot 80, हालांकि 0 और 45 के बीच मान निकालना है तो यहां पर 45 से ज्यादा ही ले लेते हैं जैसे 50 दो बच्चों, तो 10 90 में से 50 को आप लेस कर दो 40 होगा घटा दो 40 हो जाएगा, प्लस cot 90 में से 80 आप रफ में घटा दो बच्चों 10 होगा, 10 का अपोजिट कॉट होता है 40 और प्लस कॉट का अपोजिट 10 रहता है 10 डिग्री, ये आपका आंसर 45 के अंदर है 40 और 10 आपका है। उम्मीद करते हैं बच्चों आप इसको बिल्कुल बारीकी से समझ गए और चैप्टर को भी पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब श्योर करें बच्चों, नीचे बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन सिर्फ आपको मिल सके। थैंक यू।